गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरोन बायोलॉजी में। अभी कुछ देर पहले ही एक मैसेज आया था अंजलि का, कि कैसे डीबीटी जेआरएफ का फॉर्म को एडिट किया जाए। एक्चुअली इसका विंडो खुल चुका है एडिटिंग के लिए, तो आप जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारा सेंटर को ऐड किया गया है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है इस बार। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं कमेंट में, मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके हल कर दूंगा। मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूं, इसलिए आप ज़रूर कमेंट्स करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको नंबर पता ही है 9471455844, इस पर आप व्हाट्सअप करके भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीबीटी का जो फॉर्म है उसको कैसे एडिट करें। और सबसे अच्छी बात उसमें कि सेंटर का प्रेफरेंस मिला है, बहुत सारा सेंटर है जिसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डीबीटी का पोर्टल है और इसको हम लोग अच्छे से पहचानते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन जो ऊपर की तरफ ये जा रहा है कि एडिट विंडो ओपन हो गया है और ये 6 से 7 सितंबर तक खुली रहेगी। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसको ओपन कीजिए और आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यह है एडिट विंडो ओपन 6 to 7 September 2020। आप इससे लॉगिन कर लीजिए और फिर वहां जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पोर्टल खुलकर आता है। यह फिर यहां पर आपको पूछता है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड। यहां पर अपना यूज़र आईडी डालेंगे, यहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद, खैर मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, मैंने एक स्टूडेंट से उसका स्क्रीनशॉट के लिए कहा था। उन्होंने बताया था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लेफ्ट साइड में एक आई का सिंबल बना हुआ है ऐसे करके, वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो कम्प्लीटली एडिटिंग का ऑप्शन आता है फिर से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का। और उसमें आप सारा कुछ फिर से कुछ भी उसमें अपडेट कर सकते हैं, कंप्लीट फिर से रीसबमिट कर सकते हैं आप। तो अभी ये कल तक खुली रहेगी विंडो, आज भी है, कल भी खुली रहेगी और फिर बंद हो जाएगी। तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपलोड करना चाहते हैं, तो अभी ही समय है, आप कर लीजिए। और हमको ज़रूर बताइए आपका हुआ कि नहीं या उसमें क्या समस्याएँ हैं। अगर आप उसको शेयर करेंगे तो और सभी स्टूडेंट को इससे मदद मिलेगी उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में। अगर इससे संबंधित आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अच्छे से हो जाता है आपका एडिटिंग तो आप हमें शेयर भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, ताकि दूसरे बच्चों को उससे मदद मिल सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आप इसको एडिट कीजिए और फिर हमें बताइए। थैंक यू। जाना ना दिल से दूर।